सो थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 40 दिन का बेस्ट ऐसा स्टडी प्लान जो आपको SBI PO 2020 की एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको एक वेल बैलेंस स्टडी प्लान देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धार्मिक और आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी, और आपको मैं देने वाला हूँ बेस्ट 40 डेज स्टडी प्लान टू क्रैक SBI PO 2020 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। काफ़ी कम टाइम बचा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरव्यू जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का नाम क्या है। तो SBI PO 2020 पोस्ट का नाम क्या है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर। टोटल वैकेंसी कितनी है, 2000। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट कितनी है, 21 से 30 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, तो कोई भी ग्रेजुएशन। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहेगा, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद मेंस एग्जाम रहेगा, और मेंस एग्जामिनेशन के बाद या तो इंटरव्यू अकेला रहेगा या तो इंटरव्यू के साथ ग्रुप एक्सरसाइज होगा। ठीक है, लास्ट डेट कौन सी है, 4 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो मेक श्योर कर लेना कि आप 4 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दो। अगर आपको फुल डिटेल वाला वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो एंड स्क्रीन पे भी लिंक मिल जाएगा, और अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट कौन सी रखी गई है, तो इस साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2020, यानी आपको 31 मनाना है। तो सोच लो कैसे मनाओगे, अपनी सक्सेस के साथ या फिर एंजॉयमेंट करो। सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ जनवरी 2021, बाकी बचे 3 दिन यानी टोटल 4 डेज पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स होती है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन डेट की भी टेंटेटिव्स बता दी गई है, 29 जनवरी 2020। और इंटरव्यू या तो ग्रुप एक्सरसाइज, यानी इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज की डेट कौन सी रखी है, तो फरवरी मार्च 2021 में होगा ऐसा बताया जा रहा है। चलिए फाइनली पहुंच जाते हैं अपने स्टडी प्लान की ओर, क्योंकि स्टडी प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से चलोगे तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि स्टडी प्लान में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है रीजनिंग, दूसरा होता है मैथ्स, और तीसरा होता है इंग्लिश। तो सभी सभी सब्जेक्ट की हमें दिन में मिनिमम 3 आवर्स तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 3 से ज़्यादा आप दे सकते हो, बट मिनिमम 3 आवर्स प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, डे वन यानी आज 21 नवंबर 2020 से आप स्टार्ट करोगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से, और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब से। मैं सारे टॉपिक के नाम बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता। आप वीडियो को पॉज करोगे और पहले 20 दिन का स्टडी प्लान आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से चलोगे तो आपका पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा और आपको अच्छे से वेल मैनेज भी हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को तो पहले प्रायोरिटीज दे सकते हो, और दिन में 9 घंटे काफ़ी कम बोले हैं, आप इससे ज़्यादा घंटे इनपुट देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, बाकी के 20 दिन का स्टडी प्लान ये रहा, आप वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो, क्योंकि सबसे पहले काम वही करो। ठीक है, ये टाइमिंग मेरे प्रीवियस स्लाइड के रह गए हैं तो इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, आपको जस्ट अपने हिसाब से 3 घंटे दे देने हैं, आपको जो 3 घंटे देने हैं, सुबह वाले, दोपहर वाले, शाम वाले, आपकी मर्जी। ठीक है, और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इस टाइम टेबल के हिसाब से 26 दिसंबर को ही खत्म हो जाएगा, और मैंने पूरा सिलेबस अपडेटेड देख के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट रैली पूछते हैं, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैंने उसलिए रखा भी है। मैथ्स का डेटा आपका ख़त्म होगा 29 दिसंबर को, और इंग्लिश भी आपका 29 दिसंबर को ख़त्म होगा। जैसे ही रीजनिंग ख़त्म हो जाता है, मैंने मॉक टेस्ट 1 डाला है, तो ये पर्टिकुलर रीजनिंग का नहीं है, ये पूरा मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, जो नहीं आया है उसको वापस से सॉल्व करके सीखना है कि क्यों नहीं आया। ठीक है, उसी प्रकार 28 को आप दूसरा मॉक टेस्ट दोगे, 29 को तीसरा दोगे, और 30 को चौथा दोगे, पाँचवा दोगे और छठा दोगे, और फिर आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और आपको स्टडी प्लान कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक और वीडियो लाने वाला हूँ एग्जाम एनालिसिस का, यानी प्रीवियस ईयर के एग्जाम एनालिसिस का। SBI के प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, मैं उसका एग्जाम एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूँ कि पिछले साल कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज का पूछा गया था। तो कितने लोग वो वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक,
अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे होता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव, और आप मुझसे बातें कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।